जय महाकाली माँ। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। ओम काली काली महाकाली काल के पन्वेश्वरी सर्व आनंद करने देवी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, कहते हैं कि बंधन लगा दिया, किसी ने कोई चीज बांध दी है। इस भूत प्रेत को भी लोग बांध देते हैं, तंत्र मंत्र को भी बांध देते हैं। हम आपको एक महाकाली काल का बंधन लेके आए हैं, जिससे भूत बांधना हो, दैत्य बांधना हो, प्रेत बांधना हो, चुड़ैल बांधनी हो, कुछ भी बांधना हो, उसको बांधने के लिए बहुत शक्तिशाली बांधनी है। आपको अमावस्या के दिन रात्रि को 9 बजे के बाद आप पूजा की तैयारी कर लें। पूजा में मिष्ठान रखें, 2 नारियल रखें, 1 पूजा के पहले, 1 पूजा खत्म होने के बाद। तो जो आप पूजा में पहले से रखेंगे उसको रखा रहने देना, कम से कम आप उसको 9 दिन रखे रहे, तब ये बांधनी अच्छे से काम करेगी। ये जो विधि है, ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना दी, हम आपको बता रहे हैं। ये विधि जो जीवन में उपयोग की है, भाई जिस क्रिया को आपने खुद किया हो वो क्रिया बतानी चाहिए, ना कि किताब वाली। और हमारा इससे कोई ऐसा है नहीं है कि भाई ये तंत्र मंत्र करके हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई सामान बेच रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपके जीवन में ये चीजें होने चाहिए, जिसमें आप भटके ना। हर एक सनातनी धर्म के, अनेक जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, उनके पास, लोगों के पास ये विद्याएं, ये साबर विद्याएं, प्राचीन विद्याएं, जो थोड़ी सी पूजा करके, थोड़ा सा माता को नम्रता से प्रार्थना करके, भाव से आप उन शक्तियों का उपयोग कर सकें और दूसरों को लाभान्वित कर सकें, दूसरों को लाभ पहुंचा सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें। ये कल्याणकारी होती है। भाई होता क्या है, विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको विश्वास के साथ उस पे, भाई ऐसी कई जगह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कई पुस्तकों में मिल जाएंगी चीजें। क्योंकि जो अंतर मन से कोई चीज किसी को दे रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब स्वीकार भाव से आप स्वीकार करोगे तो वो विद्या, वो शावर मंत्र, ये तांत्रिक विद्याएं काम करेंगे। वैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड का हूं मैं। दोस्तों सुनिए, तो ये काल का बंधन जो है, जब किसी को भूत प्रेत पिशाच लग गया हो तो आप जो है एक आगे कर लें। पहले तो मंत्र को अच्छे से याद कर लें, एक सांस में आप बोल सके। अब मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है, याद भर कर लें। अब इसकी एक पूजा देनी पड़ती, जैसे मैंने पहले बोला 2 नारियल लगेंगे, इसकी पूजा में 2 नारियल लगेंगे, 2 नींबू लगेंगी, 55 मीठा लगेगा। आपको देसी घी के 5 दीपक रखो, माता को माला रखो, लगा हुआ पान, कपूर जला के कपूर से आरती, देसी घी के दीपक से आरती, श्रद्धा भाव से सुमरण करें, अपनी कुल देवी को नमन करें, अपने गुरु को नमन करें, स्थान देवता को नमन करें, अपने ग्राम देवता को नमन करें। इस प्रकार से नमन करके, और जो भाई लोग माता में ज्यादा उनकी लगन रहती है, माता तो जगत की माता होती है, हमेशा कल्याण करती है, वो बहुत जल्दी ये सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में रहते हैं और सरल भाषा इनकी थोड़ी अटपटी रहती है, और जैसी हमने अपने पूर्वजों से सीखी वही की वही हम आपको बता रहे हैं। मंत्र है, सुनिए। ओम क्लीम 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 काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, खाए कलेजा ठोके थाली, आताल बांध पाताल बांध, दुनिया का गुण बांध, जनता का पैर बांध, दानव बांध, प्रेत बांध, भूत बांध, सास सो चुड़ैल बांध, हाथ का खप्पर बांध, हाथ जले ना काया, नव मन का गोला बांध, के मन का गोला, के मन की जंजीर, हाथ पड़ी हथकड़ी, पांव पड़ी जंजीर, इन सबको बांध के अपने मुट्ठी में न लाई तो सच्ची महाकाली ना कहाई। इसमें आप दुहाई गुरु गोरखनाथ की लगा सकते हैं, दुहाई जो है वीर मशान की लगा सकते हैं, दुहाई कामाख्या योगिन की लगा सकते हैं, तो ये और शक्तिशाली हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। अब जो है इसको अच्छे से आप याद कर ले, फिर से सुन ले मंत्र। ओम क्लीम 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 काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, खाए कलेजा ठोके ताली, आताल बांध पाताल बांध, दुनिया का गुण बांध, जनता का पैर बांध, दानव बांध, प्रेत बांध, भूत बांध, 700 चुड़ैल बांध, हाथ का खप्पर बांध,
हाथ जले ना काया, दो मन का गोला बांध, कै मन का गोला कै मन की जंजीर, हाथ पड़ी हथकड़ी पांव पड़ी जंजीर, इन सबको बांध के अपनी मुट्ठी में ना लाए, तो सच्ची महाकाली ना कहाई। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा दुहाई, जैसे मैंने पहले बताया दुहाई गुरु गोरखनाथ की लगा सकते हैं, दुहाई कामाख्या योगिन की लगा सकते हैं, दुहाई इसमें जो है ना वीर मशान की ये चलती है इसमें, तो ये बहुत तीव्रता से काम करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नींबू जो है एक जो है 5 दिन बाद 9 दिन बाद उसके बाद आप उसको चढ़ा दें, वहीं रखा रहने दें, और 9 दिन आपको व्रत रखना है, नियम रखना है, और 9 दिन दीपक जलाए माता का, मंत्र को अच्छे से याद कर ले, नींबू का जो है चढ़ा के उसकी धार जो है अग्नि पे दे दे होम लगा के घी के, और वहीं पे आपको नारियल चढ़ा देना है, पचबंदी मीठा चढ़ा देना, फल फूल जो भी आपकी इच्छा चढ़ा दे, आप चाहे तो माता को श्रृंगार भी चढ़ा दे, माला चढ़ा दे, लगा हुआ पान चढ़ा दे, इस प्रकार से माता से विनती करें तो आपकी इस मंत्र में अद्भुत शक्ति हो जाएगी। जब इसका आपको उपयोग करना है नींबू पर पड़ के इसको सरपे से काट सकते हैं, आप चाहे तो इस मंत्र से किसी को आप झाड़ना है जो जिसको ऊपरी बाधा है उसको मंत्र पढ़ते हुए ओम क्लीम 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 काली काली महाकाली, तो इस प्रकार से झाड़ा दे सकते हैं। आप एक धागा जो ले लें लाल रंग का, उसको लंबा उसके जितना रोगी है उसके हाथ के बराबर की लंबाई का ले लें, उसका बढ़िया भांज के पड़ के बांध दें, उसमें सात गठाने और उसके गले में धारण करवा लें। तो इस प्रकार से हर प्रकार से आप इस मंत्र का आप जो है उपयोग कर सकते हैं, आप अपने गुरु से सलाह ले सकते हैं, किसी मित्र से सलाह ले सकते हैं, माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, मंत्र को अद्भुत शक्ति दे, आपको शक्तिशाली संपन्न बनाए, हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से खत्म हो जाए, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा। ओम काली महाकाली क्लिक्ले फट स्वाहा।